एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द विजिटर्स ब्लॉग। सो गाइस, आज संडे और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बजे शुरू कर लिया है, मतलब कि लंच कर लिया है। तो अब शैतान हुआ है तो बहुत, मतलब इसके लिए भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। शायद साथ में मेरा LVA जो कि मैं करती थी, अभी नहीं करूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया नहीं करूँगी, मुझे करना पसंद नहीं है LV वैसे भी। और वैसे भी LV करके मेरा ना वीडियो ही शूट नहीं हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। जितना भी टाइम मिल रहा था सब मेरे LV में, मतलब टाइम वेस्ट जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो करते करते मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ। मुझे नहीं चाहिए LV का वॉच टाइम, मुझे ऐसा है कोई आता ही नहीं है LV पर, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा करके। और वैसे भी जितना अच्छा लगता है वीडियो शूट करने में, उतना LV करने में मज़ा नहीं है। तो गाइस प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो, जो भी कुछ क्लिप्स मैं उठाऊंगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए। और जो भी आज मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को अभी दिखाते हैं बाबू क्या कर रहा है। बाबू बहुत शैतान हो चुका है। गाइस ये देखो, इतना बदमाशी करता है, इतना बदमाशी करता है ना, उसके लिए मेरा काम कुछ भी होता नहीं है। साथ में मैंने दरवाजा लॉक करके रख दिया, नहीं तो वो बाहर जाता है, बाहर जाके पूरा दौड़ता रहता है। इतना डर लगता है ना, अभी मैं कुछ काम करूँगी तो वो डरता, मतलब दौड़ता रहेगा, तो इसलिए मैं उसके लिए दरवाजा लॉक करके रखती हूँ ताकि वो बाहर ना जाए, इसी मेरे आँखों के सामने खेलते रहे, जो भी कुछ खेले आँखों के सामने खेले, तो इसलिए मैं लॉक करके रखती हूँ। नहीं तो ये ना बाहर जाता है, कुछ कुछ करता है, मतलब गंदा गंदा चीज़ छूता है, कहाँ कहाँ मिट्टी में जाके, तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे मुझे ना गंदा वाला चीज़ कुछ छूने से मुझे बहुत, मतलब गुस्सा आता है, तो मैं इसे थोड़ा सा मार भी देती हूँ, चटाई ऐसे थोड़ा सा डराती हूँ सिर्फ, वैसे नहीं मारती हूँ, बट इसलिए ना मैं लॉक करके रख देती हूँ। और वैसे भी मेरा क्या करे, थोड़ा सा कुछ मोबाइल जब मैं छूती हूँ तो वो ना पटक से बाहर चला जाता है, तो फिर मैं पटक से बाहर दौड़ जाती हूँ तो मोबाइल वैसे ही छोड़ जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ। तो गाइस प्लीज़ यार LV ना हो तो प्लीज़ गुस्सा मत होएगा, या फिर आप लोग मुझे मैसेज करके भी बोलिएगा। मैं अगर जब कभी ना लाइव आऊँगी तो फेस लाइव करूँगी, ओके। तो अभी तक हस्बैंड नहीं आया है और अभी आएंगे, उसको देना पड़ेगा मुझे खाना, फिर से बर्तन माजो, सब कुछ वही रूटीन है। क्या दिखाओ आप लोगों को, कुछ स्पेशल नहीं हुआ है संडे। अगर कुछ स्पेशल शेयर कर पाओ तो आप लोग शायद शेयर करूँगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहेगा, इतना भी सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़ 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 गाइस, मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, मुझे मैं भी आप लोग के साथ सपोर्ट करती हूँ। सो गाइस आप लोग को एक कटहल का जो बीज है ना उसका रेसिपी भी इसके साथ मैं शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखना। और वो रेसिपी ना बहुत टेस्टी लगता है, आप खाना के साथ खाओगे तो अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा वीडियो को, तो वीडियो को कंटिन्यू करें और जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी, जो भी मतलब मैं शूट कर पाऊँ जितना हो सके मुझसे। तो गाइस
পাউডার আর দি লুটুর পুটুর ঘাম একটা মানুষ যেটক যেটে ভরি কাপ মানে তালিবানি গেলে কি হাসতি দে তার সে বেশি যেটক যেটে কি করি আছে গাইস আব ইভিনিং টাইম হে টি টাইম অর মামি আর পাপা আজ ঘর পর ফেসে আয়ে সাথ মে বাবু ইয়া পে কার্টুন দেখ রহে और साथ में है मोमोस। चलो आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मोमोस। तो गाइस आज मैं आपको कटहल का बीज का चटनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे देखकर। तो कटहल को पहले रोस्ट करना पड़ता है, फिर अगर आप लोग खाए हो तो आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं खाए उन लोग को बता रही हूँ। तो रोस्ट करके इसको छिलका निकालना पड़ता है और बहुत अच्छी तरह से कूटना पड़ता है। थोड़ा सा कूटेंगे, इतना भी नहीं कूटेंगे, मतलब पीसना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कूटना है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स करने के लिए मसाला लेंगे, यहाँ पे लहसुन, साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, तो और सरसों का तेल यहाँ पे मिक्स करेंगे अभी अच्छी तरह से। और साथ में लिए है पानी वाला चावल और यहाँ पे मूला का सब्जी, आलू भाजी। सो ये आज का डिनर है हम लोग का, और वीडियो इतना तक ही था। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, साथ में एक
कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर आज न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ऐसे करके एक बार घर पर बना के खाइए, बहुत टेस्टी होता है। और आप लोग इस रेसिपी को घर पर गर्म खाने के साथ भी खा सकते हो। तो आज के लिए बाय।